और आज जाने वाले जब्बई हिल जाने के बाद डायरेक्ट म्यूजियम की तरफ भागने वाले टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड में। सफेद कलर का जो ये है डंबर लीक, बहुत दूर जाना था इसलिए अभी पेट्रोल भर लिया, क्योंकि इस रास्ते में पेट्रोल खत्म हो सकते हैं। इसलिए गाइस ये जो मजा है ना, इंडियन का हर व्यक्ति ये मजा मिलना चाहिए गाइस। ये सीन देखो बहुत खतरनाक, रूम देखो बहुत ही प्यारा से सजा के रखा है। गाइस सुबह सुबह चाय से शुरुआत करने वाला हूँ हम, इंडियन का जो नॉर्थ ईस्ट जो सेवन सिस्टर, सेवन सिस्टर में एक जो याबाडी के मतलब सेकंड पोजीशन में जो होते हैं वही मिजोरम। और इस राइड पे जाने वाला हो उपेन रियांग और गाइस हम सभी मतलब इस राइड में जाने वाले। आप लोग इस वीडियो को फास्ट लेके एंड तक जरूर देख लीजिए गाइस, बहुत ही मजेदार होने वाला, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग निकल चुके हैं राइड पे और आज जाने वाले जब्बई हिल जाने के बाद डायरेक्ट म्यूजियम की तरफ भागने वाला हूं। गाइस रूट का कंडीशन देखो क्या बोले गाइस, रोड में पानी भरा हुआ है। गाइस फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं उमरपुर बाजार और अभी थोड़ा बाइक का काम था इसलिए अभी पानी भर लेता हूँ। गाइस रूट का हालत देखो ये है उमरपुर रूट, गाइस सब पानी से भरा हुआ है, कहाँ गड्ढा कहाँ मड्डा भी कुछ पता नहीं। गाइस ये व्यू देखो कितना बढ़िया, माय गॉड। गाइस ये व्यू देखो, ये है वेस्ट कालाजरे मतलब खास माई पारा भी बोलता है इस विलेज को। गाइस जो म्यूजियम का जो सोना थी मतलब इधर पे त्रिपुरा गवर्नमेंट ने इधर पे रहने के लिए परमिशन दिया है। आप लोग बोर्ड में छाई देखोगे वेस्ट कालाजरे ब्रो, गाइस करेक्टली मुझे पता तो है ही नहीं, लेकिन मैंने जब मतलब गाँव में भी सुना था यहाँ पे जो 400 लोगों को मतलब जो म्यूजियम का जो सोना थी लोगों को मतलब त्रिपुरा में इधर पे आने के लिए मतलब जगह दिया है। गाइस देखो जो कंस्ट्रक्शन त्रिपुरा से कुछ एक अलग, गाइस त्रिपुरा का जो घर होते जो हाउस होते मिलता नहीं है, देखने में मतलब अजीब सा लगता है और मतलब बहुत एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि पहले बार देखा है। गाइस देखो ये इतना जरा बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा देखो वो सफेद कलर का जो ये है डंबर लेक। गाइस देखो इधर पे ये कितना है, कितना ऊंचा होगा मुझे भी करेक्टली पता नहीं। गाइस गाइस ये बस देखो ये है उदयपुर अमरपुर गोंडा जाने वाला बस, डेस्टिनेशन में पहुंचना बहुत जरूरी है गाइस, लेकिन सफर को एंजॉय करते गाइस, बहुत बारिश आ रहा है लेकिन अभी तक डेस्टिनेशन में पहुंचा नहीं गाइस। गाइस बहुत बारिश आया था इसलिए अभी थोड़ा रुक के चाय वगैरह पी रहा हूँ, हम जो शरीर होते उसको थोड़ा गर्म कर लेता हूँ। अभी हम चाय वगैरह पी के अभी निकल चुका हूँ पुनो जी पड़ा से, ये न्यू पाल होटल में आ चुके हैं। आप लोग इधर पे देखा होगा वो क्या खाने ऑलरेडी डिटेल दिया हुआ है, ज्यादा भूख लगा था इसलिए अभी थोड़ा खाना वगैरह खाते हूँ। और ये देखो गाइस ये है अंबासा फाइजर, फाइनल हम लोग आ चुके हैं और अभी थोड़ा खाने भी खा लिया और अभी निकलने वाला हूँ ब्यूसी तक, ब्यूसी जाके पेट्रोल भरना है, पेट्रोल भरने के बाद हम लोग डायरेक्ट निकलने वाला हूँ। गाइस ये देखो ये है अंबासा बाजार और आप लोग सामने देखा होगा जो ट्रैफिक पॉइंट, ये है टाउन हॉल अंबासा। ऑलराइट गाइस और अभी हम लोग रुपान और अभी थोड़ा पेट्रोल डालने है, जो मेरा दोस्त लोग आप लोग ये देखा होगा उसका पेट्रोल थोड़ा कम था तो पेट्रोल भर के हम लोग डायरेक्ट जाने वाला हूँ। ऑलराइट गाइस अभी जो अंबासा पेट्रोल पंप से निकल गए वो बहुत दूर जाना था इसलिए अभी पेट्रोल भर लिया, क्योंकि इस रास्ते में पेट्रोल भी खत्म हो सकते इसलिए और अभी फाइनल निकल रहा हूं। गाइस ये देखो ट्रक ही ट्रक पंजाब बोर्ड त्रिपुरा में कुछ सामान वगैरह लेके आया होगा। गाइस ये देखो सुपर कार, ओ माय गॉड। ऑलराइट गाइस बहुत ही ज्यादा अभी फिर से बारिश आ गई, दिन में 2-3 बार मौसम बदल जाता है। गाइस फाइनली ये पार देखो लॉन्ग ट्रोरा इको। गाइस ये है मोनो रिवर ब्रिज और बहुत ज्यादा बारिश आ गई इसलिए अभी जो नदी था नदी भी बढ़िया हो रहा है। गाइस ये है मोनो बाजार और आप लोग ये देखोगे ये है मोनो पुलिस स्टेशन। गाइस अभी रोड का कंडीशन देखो बहुत बढ़िया और जो नेशनल हाईवे 8 था इसलिए गाइस जो बाइक था वो गंदगी हो गया है, इसी वजह से अभी जो बाइक को धो रहा हूँ क्योंकि हम लोग और भी लॉन्ग ड्राइव करने वाला है। गाइस फाइनली हम लोग अभी आ चुके हैं कुमारघाट और बहुत ज्यादा ट्रैफिक था इसलिए अभी स्लोली चलना पड़ रहा हूँ और अभी जाने वाला हूँ डायरेक्ट जो कुमारघाट से राइट टर्न लेके डायरेक्ट जाने वाला हूँ कंचनपुर। ऑलराइट गाइस और अभी खाना बगना खा चुके और अभी इवनिंग का टाइम कितना हुआ है 4:35 हुआ है तो अभी खाना खा के निकल रहा हूँ हम लोग अभी। गाइस ये है जम्पू हिल का रोड और अभी भी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। वेलकम टू जम्पू हिल। गाइस ऊपर में देखो कितना बड़ा बड़ा मिट्टी गिर रहा है, गिरने के वजह से जो रोड ब्लॉक हो गया तो हम लोग है क्या
नहीं ऑलरेडी कैमरा ऑन था ना। गाइस पहले पहले जो रूट बहुत बढ़िया और अच्छा था, लेकिन जो ज़्यादा बारिश आ गया और अभी बारिश का टाइम था, इसके लिए बारिश आने के वजह से जो जो पहाड़ वो मतलब गिर के मतलब नीचे गिर गए, तो नीचे गिरने के वजह से जो रूट ब्लॉक हो गए, इसलिए हम लोग अभी दूसरा रास्ता से जाना पड़ा। गाइस रोड ये है, लेकिन जो आप लोग ऊपर में देखा होगा मत्ती गिर के नीचे बंद हो गया। ये नज़र देखो कितना बढ़िया गाइस, ये रोड भी इतना गद्दार गाइस लाता का फील आ रहा है गाइस। ओ माय गॉड देखो यहां पे वाटरफॉल, माय गॉड गाइस व्हाट अ व्यू गाइस। ये जो मजा है ना इंडियन का, हर व्यक्ति ये मजा मिलना चाहिए गाइस। इतना बारिश आया, बारिश आने के बावजूद भी जो हम लोगों का राइड हम लोग एंड नहीं किया, अभी भी शुरू 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 गाइस। रूट का हालात बोलते बोलते हम लोगों का जो हालात ख़राब हो गया, और जो मेरा ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, जो भी अभी जम्पू हिल में आना चाहते हैं गाइस नहीं आना है, बहुत दिक्कत बहुत परेशानियाँ झेलना पड़ते। जो बाबा बोल ना गाइस गद्दा में फंस चुके हैं हम लोग। गाइस रूट देखो फिर से बहुत अच्छा वाला रूट लग गया, और जो रूट का कभी ख़त्म होता ही नहीं है, ख़त्म होता ही नहीं है, और इतना बुरा रूट बोल के भी थक चुके गाइस। गाइस जिस डेस्टिनेशन में पहुंचना इतना आसान नहीं होता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है, बहुत दिक्कत सहना पड़ता है गाइस। ओ ओ गाइस ये सीन देखो बहुत खतरनाक। गाइस अभी टाइम 5:30 बज चुके हैं और अभी अंधेरा होने वाला है। ऑलराइट गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं पूर्व होमपोई विलेज। गाइस हम लोग जल्दी जल्दी जाना है इंडियन टूरिस्ट लॉट में, और अभी अंधेरे ही होने वाला है, इसलिए गाइस देखो बहुत गड्ढा। ऑलराइट गाइस अभी फाइनली आ चुका है इडेन टूरिस्ट लॉट, और अभी अंदर जाने वाला हूँ, जाकर जल्दी जल्दी रूम बुकिंग करने वाला हूँ, और अभी हम लोग एंट्री कर चुके हूँ, लेकिन अंदर था कुछ दिखाई नहीं दे रहा हूँ। गाइस ये देखो ये है जो इडा टूरिस्ट लॉट। गाइस अभी अंदर जाके पूछने वाला हूँ मतलब रूम है या नहीं। चुके ये है टिकट काउंटर, यहाँ पे हम लोग टिकट लेके अंदर जाने वाला हूँ रूम पे। गाइस ये फॉर्म देखा होगा यहाँ पे, कुछ मतलब डिटेल फॉर्म करना पड़ता है। त्रिपुरा टूरिस्ट डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड में खुद का आधार कार्ड लगेगा। ये है जो इधर टूरिस्ट लॉट, यहाँ पे जो रूम का डिटेल दिया है कौन सा वाला रूम लेना है। ऑलराइट गाइस ये है हम लोगों का रूम, हम लोग रूम ऑलरेडी बुकिंग कर चुके हैं, बुकिंग करके अभी अंदर आया हूँ। गाइस ये है टॉयलेट रूम, और आप लोग ये देखा होगा ये सुबह सुबह ऐसे ऐसे करके आप लोग ब्रश कर सकते हैं। ऑलराइट गाइस और अभी हम लोग रूम पे आके हम लोग रूम बुक किया, बुक करने के बाद अभी ये है मेरा खाट, इधर पे हम सोने वाला हूँ, और मेरा दोस्त लोग सो रहा है इधर पे भी है, और एक मोबाइल देख रहे हैं, और इधर में भी बात कर रहा है सर। ऑलराइट गाइस डाइनिंग रूम में आ चुके हैं अभी खाना खाने। ये है डाइनिंग रूम देखो, बहुत ही प्यारा से सजा के रखा है। पहले हम लोग यहाँ पे हाथ वगैरह धो लेता हूँ। फाइनल हम अभी बैठ के खाने वाला है यहाँ पे, भैया लोग ऑलरेडी बैठ चुका है।